What's good on guys, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं GTA 5 दोबारा से। एंड GTA के अंदर गाइस आज हम लोग करने वाले हैं रनर्स वर्सेस कार्स चैलेंज। एंड एज यू कैन सी यार, अपन लोग आ चुके हैं रनर्स की टीम में। एंड यहाँ पर हमारे सामने मिस्टर चॉप दुनिया जहान की कोशिशें करेंगे अपने को गिराने के लिए, लेकिन आई डाउट भाई उसकी एक भी स्ट्रैटेजी काम आएगी दोस्तों। तो भाई मेरी गाड़ी तो शुरू होने के पहले ही भंगार बन गई ब्रो। अरे तो ऐसे तैसे कुदाओगे तो क्या होगा भाई। और बाय द वे मेरा मास्क कैसा लगा गाइस आप लोगों को, एकदम लग रहा हूँ ना टेक्नो डीमन। वैसे इसको बाद में नोटिस करते हैं, अभी मेरे को प्रोबेबली गेम पे फोकस करना चाहिए क्योंकि भाई सिचुएशन हमारे लिए उतना सेफ नहीं दिखाई दे रही है। ऊपर से गाइस इतने ज्यादा, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे भैया पैर फिसल गया मेरा। गाइस बहुत ही दुखद तरीके से मिस्टर फ्रॉस्टी भाई की मौत हो चुकी है एंड फर्स्ट राउंड मिस्टर चॉप ने जीत लिया है। ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर राउंड नंबर 2 ऑफ रनर्स वर्सेस कार्स। एंड गाइस यहां पर अपन आ चुके हैं राउंड 2 के लिए और हमारे पास दोबारा से है एक जबरदस्त गाड़ी। एंड इस गाड़ी में बैठ के दोस्त अपन लोग करेंगे चॉप का संहार या फिर डिस्ट्रक्शन, जो बोलना चाहते हो बोलो भाई, मेरे को तो वर्ड्स भी दिमाग में नहीं आ रहे दोस्तों। इतना एक्साइटमेंट से अपन लोग भाई आज उड़ाएंगे ना इसको। अबे बाहर तो निकल जा भाई, इतनी स्पीड में गाड़ी लेके कहां जा रहे हो भाई, समुंदर में गिर जाओगे। अरे भाई कैसे कैसे बचाओ, मैं सही में गिर जाता। ऑलराइट गाइस अगली बार से ध्यान रखेंगे। लेकिन ओ भाई देख रहे हो मौके का फायदा उठा के, अरे 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 अंदर घुस गया भाई, देख रहे हो भाई दिमाग लगा रहे ये बंदा। भाई नहीं मेरा पैर फिसल गया भाई यार, इतनी कोशिश करने के बाद भी ब्रो। अरे व्हाट द हेल, ये भी वैसे ही मरा है दोस्तों जैसे मैं मरा था। चलो भाई अपना हिसाब बराबर। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम फॉर राउंड नंबर 3 ऑफ रनर्स वर्सेस कार्स। एंड भाई बहुत जल्दी राउंड नंबर 3 पे आ गए अपन लोग, आई मीन दो मिनट नहीं हुए भाई और तीसरे राउंड पे पहुंच चुके यहाँ पर। नहीं चलो कोई बात नहीं ब्रोज, अपन लोग अपना बदला ले लेंगे मिस्टर चॉप से, ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा ये। और वैसे आई थिंक मेरे को मेरा बदला मिल चुका है क्योंकि इस बंदे ने भी उसी वही गलती की भाई जो हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड नहीं फर्स्ट राउंड में की थी। लेकिन गाइस अब कोई गलती नहीं होगी भाई, अब सिर्फ एक ही चीज होगी और वो है सीधा विक्ट्री। और गाइस अब देखता हूँ मैं ये चॉप मेरे को कैसे रोकता है। तो भाई जाओ जाओ, देखता हूँ मैं भी आप कितनी आगे तक भागते हो भाई, उड़ा दूंगा आपको। अरे चल बड़ा है ओ भाई, अरे भाई ये तो सीरियस है भाई उड़ाने के बारे में। गाइस क्या रॉकेट के जैसा गाड़ी निकाल रही है। ऑलराइट अब एकदम मजाक नहीं भाई, जल्दी जल्दी निकलो जल्दी निकलो। ओ भाई आ रहा आ रहा आ रहा, अरे नूबड़े जा भाई, तू क्या गुंडा बनेगा ब्रो, तेरे से तो भाई एक सिंपल टारगेट हिट नहीं होता है। तो भाई यार कितना आगे भाग के जाओगे ब्रो, आपको भागना है भागो, मेरा काम मारना है मारूंगा, समय को इंतजार करो भाई। अरे समय का इंतजार होता है ब्रो, भाई नहीं 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 भाई यार, अभी बाद में एनालॉजीज बनाऊं, अभी के लिए मेरे को आगे जाना है। और ये देखो दोस्तों फ्रूट का ठेला आ गया यहाँ पे। ए भैया अपने को केला वेला नहीं खरीदने का है भाई, अपन लोग आगे जा रहे हैं। और ये क्या है, फुटबॉल को यार रास्ते से हटा दो, केज के अंदर छलांग मारते हैं दोस्तों। अब ये चॉप अपने को टच नहीं कर पाएगा, आ जाओ दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये देखो गाड़ी कैसे भगा रहे हैं, नूब आदमी पता है मेरे को भाई। ओए क्या कर रहा है, उधर कहाँ ले जा रहा है। फॉक्ट भाई अब जानता हूँ आप छुप के अंदर बैठ गए तो आपको फालतू में थोड़ी मारने आऊंगा भाई, इतना उल्लू दिखाई देता हूँ क्या आपको। ओ तो दिमाग भी लगा रहा है मिस्टर चॉप। ओ शिट भाई यार देख तू काफी क्लोज आ चुका है, अब थोड़ा इजी खेल भाई। भाई इजी पीजी कुछ नहीं होता भाई, मेरी डिक्शनरी में एक ही चीज होता है और वो है आपकी जान लेना। अरे भैया ये तो भाई मार देगा भाई, चलो आगे चलते हैं दोस्तों, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेट्स कीप मूविंग लेडीज एंड जेंटलमैन। और अरे मिसाइल रखी है भाई यहाँ पे, और जल्दी निकलो 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 निकलो। अरे उड़ा डाला भाई मिसाइल में ही आके गाड़ी मार दी, क्या लॉजिक है भाई। हे भगवान गाइस एक और राउंड निकल गया हमारे हाथों से। ऑलराइट गाइस पिछले राउंड में बदला भाई अपना पूरा नहीं हुआ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा नया हिसाब चढ़ा दिया गया हमारे ऊपर। अब इस हिसाब को चुकाने के लिए भाई मैं तो मतलब सीधा बोल रहा हूँ भाई बम ब्लास्ट करने वाला हूँ, मैं भी वही करूंगा जो चॉप ने किया था भाई, एकदम रिमोर्सलेसली यहाँ पे मारने की कोशिश करूंगा, कोई दया कोई माया नहीं। अरे गाड़ी को क्या हो गया भाई, तो भाई वॉल राइड क्यों कर रहे हो, स्पाइडर मैन देख के आयो क्या। अरे स्पाइडर मैन तो मैंने दोस्त सारी पार्ट्स देखी है, लेकिन अभी तुम्हें मैं बनाऊंगा बैटमैन, चमगादड़ बना के नहीं मारा ना। ओ अबे कैसे बच गया ये भाई, मेरे को याद वो बॉक्सेस गिराई जा सकती है, मैंने यार एक बार गिराई भी थी, लगता है ये सेम बॉक्सेस नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपन लोग उधर से गाड़ी घुमाते हैं। और चॉप इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि तुम बच जाओगे, याद रखना। ये देखो ये पीछे ही खड़ा है भाई, जानता हूँ मैं डरफोक, देख रहे हो जब भाई इतना डर लगता है तुम्हें तो मारते क्यों हो मेरे को। भाई साहब दिमाग में रखना चाहिए ना, अगर गलती से भी फ्रॉस्टी भाई मर गए तो अगले राउंड में आके क्या बैंड बजाएंगे, उसका तो चलने भी नहीं देंगे तुमको। भाई डरता नहीं हूँ भाई आपसे, वो तो यार टाइमिंग गलत हो जाती है मेरी। अरे भाई ये बंदा सच बता रहा हूँ बहुत लकी है भाई, अगर वो थोड़ा
थोड़ा सा भी बक्सा नीचे होता ना, मैं सच बता रहा हूँ इसके साथ साथ बक्से को भी उड़ा देता मैं। गाइस यार यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुविधा में फंस चुके हैं हम लोग। एक काम करते हैं, आगे से ट्राई करते हैं, हो सकता है यहाँ पे हमारी किस्मत चमक जाए। और ये देखिए भाई साहब को देख रहे, अंदर छुप के बैठ गया है भाई। अरे बाहर तो आ जाए एटलीस्ट भाई, इतना तो कर ही सकता है तू। ये देखो भाई कहाँ ठेले वेले के ऊपर चढ़ रहा है भाई। भाई मेरे को तो पता भी नहीं था यहाँ पे चढ़ा जा सकता है, मैंने तो ऐसी स्पेस बार मार दिया, मेरा बंदा ऊपर चढ़ गया ब्रो। अरे भैया जी नीचे भी आ जाओ, ऊपर ही खड़े रहोगे क्या? ऑलराइट गाइस यही मौका है, फुटबॉल के साथ उड़ा देते हैं। ओ शिट भाई ये क्या स्कैम गिरी है भाई, वो गिर गया, अबे खुद ही से गिर गया। वाह मेरे को तो मारने का भी जरूरत नहीं है भाई, ऐसे ऐसे नूब लोग आ जाते हैं भाई। ऑलराइट गाइस एंड जेंटलमैन इट्स टाइम फॉर राउंड नंबर 5 ऑफ रनर्स वर्सेस कार्स। एंड भाई पिछले राउंड में मिस्टर चॉप कैसा लगा आपको गिर करके? भाई देखो एक ही चीज बोलूंगा भाई, पैर फिसला है मेरा और ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, आपने नहीं मारा है मेरे को। अरे जानता हूँ मेरे दोस्त मैंने नहीं मारा है, लेकिन एक बात याद रखना, भले तुमने मुझे पिछले राउंड में मारा हो या फिर ना मारा हो, इस राउंड में तुझे मैं ही मारूंगा दोस्त, और फिनिश लाइन तक पहुंच के दिखा देंगे अपन लोग। ये देख रहे हो चीटिंग करना शुरू कर दी भाई इस बंदे ने। भाई क्या करूं, आपको मारने से अच्छा है भाई मैं खुद ही पहुंच जाऊं फिनिश लाइन पे, वो ज्यादा बढ़िया है भाई, मेरे को भी पता चल जाएगा एंड में कौन से टाइप के वेपन हमारा इंतजार कर रहे ब्रो। अरे तू कर ले भाई चीटिंग, जी भर के कर ले, मैं पहुंचता हूं उधर उसके बाद बताता हूं इसको। एनीवेज गाइस जो स्कोर है वो करेंटली एकदम इक्वल का चल रहा है यहां पर। जी हां ये राउंड नंबर 5 है, तो ऑफ कोर्स दो राउंड मैंने जीते हैं, दो राउंड मिस्टर चॉप ने जीते हैं। अब दोस्तों देखना यह है कि इस मैच को कौन जीतता है। मिस्टर चॉप हजार कोशिशें कर रहे हैं ऊपर पहुंचने की, लेकिन अफसोस इनकी गाड़ी और इनका दिमाग दोनों ही बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, इसीलिए यहां पर लैंड नहीं कर पा रहे दोस्तों। लेकिन अपन लोग भाई मस्त एकदम फुल स्पीड में निकलेंगे इससे पहले कि चॉप कैचअप कर पाए। एक तो ये फुटबॉल कौन रखता है भाई, इससे मेरा इतना ज्यादा बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है ना, क्या ही बताऊं आप लोगों को। ऑलराइट निकलो निकलो दोस्तों, अभी भाई अभी काफी आगे जा रहा है भाई, ये बंदा तो मेरे को मारने की भी कोशिश कर रहा है। फक्ट भाई अब अगल बगल से तो गाड़ी निकाल सकता हूँ ना ब्रो, की वो भी अलाउड नहीं है मेरे को। अरे तुमको भाई मेरे ऊपर से निकालना है तो निकाल दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस एक बार उधर पहुंचने दो ब्रो। ओ चलो 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 भाई मेरे को एंड दिख रही है गाइस, लेकिन एंड के पहले भाई ऊपर में पाइप्स क्यों लगी हुई है भाई? एक तो ये वही स्पॉट है जहाँ पे मर गया था भाई, मिसाइल देख रहे हो अभी भी एकदम वही पे है। ये चॉप का बच्चा भाई तू सुपरमैन बनने की क्यों कोशिश कर रहा है ब्रो, जब देख रहा हूँ मैं इसकी तरफ ये गाड़ियां ही उछाल रहा है आसमान में। फक्ट भाई क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ भाई कोई जगह मिल जाए जहाँ पे गाड़ी लैंड करा दूं मैं। अरे जगह तो भाई नहीं पता, आई डोंट थिंक इसके ऊपर लैंड करा सकता है ब्रो। और ऊपर से यार यहाँ पर लोगों ने रैम भी इतना पतला बनाया ना गाइज कि कोई भी गाड़ी लैंड नहीं कर पाती है। देखो ये कितनी भी कोशिश कर ले गाड़ी तो रुकने का नाम नहीं ले रही, लैंड करना तो दूर की बात है दोस्तों। ये देखो कैसे गिरा पड़ा है, चलो चलो आगे चलते हैं भाई। वैसे भी पाइप्स के पास रहना खतरों से खाली है नहीं है बिल्कुल भी। और यार अफसोस मेरे दोस्त, लेकिन फिनिश लाइन बहुत ही ज्यादा पास आ चुकी है, और अगर तुम लाख कोशिशें भी कर लो तब भी आई हाईली डाउट कि तुम हमें रोक पाओगे। लेकिन चलो भाई निकलते हैं। अरे भैया बगल से निकाल रहा है, ये डरा रहा है भाई मेरे को फालतू में। भाई अगर आप रुक जाओगे तो मैं आपको रेस जीतने दे दूंगा ब्रो। अरे नहीं भी रुकूंगा तो रेस मैं ही जीत रहा हूँ ब्रो। ऑलराइट और गाइस अंदर में यहाँ पर हमारे लिए डिलक्सो है, ये क्या है भाई, ये तो बंदूक वाली गाड़ी लग रही है। ओके बजर्ड हेलीकॉप्टर अटैक चॉपर और क्या क्या है भाई, अच्छा ऑपरेसर भी है, नाइस लेट्स गो। तो गाइस ऑपरेसर मार्क 2 भी खड़े। अब मेरे को डिसाइड करना है कि चॉप को किस गाड़ी से मारा जाए, है ना? तो भाई मेरे को लगता है ऑपरेसर ही सबसे बेस्ट है, यू नो व्हाट, चलो इसी को लेके चलते हैं। कोई भी और गाड़ी की या तो स्पीड कम है, नहीं तो मोबिलिटी में लोचा होता है, या फिर भाई उनकी मिसाइल्स उतनी अच्छी नहीं है। बट यार यहाँ पर जो ऑपरेसर है इसका भाई होमिंग सच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है दोस्तों, और आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो मैं चॉप को एज अ लाइव गिनी पिग यहाँ पर टेस्ट करने वाला हूँ, और आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कैसे ऑपरेसर की मिसाइल को डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है दोस्तों। वैसे यार इन लोगों ने नर्फ तो कर दिया था इसकी मिसाइल को, बट आई स्टिल थिंक अपन लोग यार यहाँ पे ऑपरेसर से अच्छा मजा उठा सकते हैं। और चॉप के बच्चे भागना बंद करेगा तो निकल नहीं सकता है मैप से। तो भाई कोशिश करने में क्या जाता है भाई, अरे भैया क्या मुड़ के गई है मिसाइल। ओ भाई क्या एक्शन सीक्वेंस था गाइस, और यहाँ पर मिस्टर चॉप को एकदम होमिंग मिसाइल से मौत के घाट उतार दिया गया गाइस। एंड एक और राउंड हमारे नाम। ऑलराइट गाइस टाइम फॉर द फाइनल राउंड, एंड अगर ये राउंड यहाँ पर भाई जिस बंदे ने भी जीत लिया, नहीं एक्चुअली मैं जीतूंगा तो गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन चॉप को एक और राउंड जीतना पड़ेगा गाइस। तो चॉप के लिए यहाँ पर एकदम डू और डाई वाला मोमेंट होने वाला है, अगर उसने इस राउंड को नहीं निकाला तो भाई वो इस गेम से निकल जाएगा दोस्तों। भाई डर नहीं लगता है आपसे भाई, देख रहा हूँ आपके लिए खड़ा होकर इंतजार कर रहा हूँ मैं। अरे खड़ा होकर इंतजार करो या लेट के दोस्त, मौत तो तुम्हारी पक्की है। और अरे भैया ऐसे गिर रही है ना चीजें ऊपर से, मेरे को लगा भाई चॉप ही गिर गया, लिटरली बता रहा हूँ बैरल से ऐसे कौन गिराता है। और ये कहाँ छुप के बैठ गया भाई, एक तो ये गाड़ी क्यों स्पिन आउट कर रही है इतनी ज्यादा स्पीड में, कौन गाड़ी लेके आता है भाई रैंप के ऊपर। ऑलराइट गाइस लेट्स गो, फिर से ट्राई करना पड़ेगा यार, ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है भाई। ये चॉप भाई मौके का फायदा उठा के देख रहे हो आगे बढ़े जा रहा है, रुक जा भाई इतना तेजी में कहां है। फॉक्ट भाई मार तो सकते रहो, ओ भाई बड़ी क्लोज आ गए यार आप, मजाक मजाक में भाई सही में मार दोगे मेरे को। अरे क्या बताऊं दोस्त किस्मत चमक जा
जाती है तुम्हारी, नहीं तो भाई सच बता रहे पटक के मारे तुमको। अरे देखो कैसे आगे बढ़ रही है, ये भाग रहा है भाई, इसको पता है फ्रूट वाला जो काट है ना उसके सामने ही पकड़ूंगा। रुक 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 रुक, अरे भैया यार थोड़ा और हाइट चाहिए गाइस, ऐसे काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। देख रहे हो थोड़ी सी हाइट से चूक गया पल्लू। एनीवेज रुको मेरे को गाड़ी दोबारा से घुमाने दो एंड फिर बताते इस बच्चे को। गाइस जितना मैंने सोचा था भाई उससे ज्यादा रिस्की गेम हो चुका है, मिस्टर चौप बहुत ही ज्यादा आगे पहुंच गया है भाई। भाई अब आप क्या ही बताओ भाई, इतनी देर में मार नहीं पाए तो आप क्या घंटा मारोगे मेरे को। दोस्त सोच लो क्या बोल रहे हो तुम, बता रहा हूं मैं तुमको सही में उड़ा दूंगा वो भाई, अरे मैं समुंदर में घुस जाता भाई। एनीवेज गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एंड अगर आपको कार्स वर्सेस रनर सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो पे फटाफट से 20,000 लाइक्स कर दो यार, और अपन लोग इसका पार्ट 2 ले आएंगे। इसका तो पार्ट 2 नहीं लाएंगे लेकिन हाँ एक नया सीरीज ले। अबे तू क्या कर रहा है वहां खड़ा होके? अरे भाई सेलिब्रेट कर रहा था, उड़ा दिया भाई।